अगर हम बात करें ऐसे अचार की जो स्वाद के साथ साथ सेहत से भी हो भरपूर, तो सबसे पहला नाम आता है आंवले का। आज हम बनाएंगे बिना धूप दिखाए सिर्फ 10 मिनट में आंवले का इतना बेहतरीन अचार, जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में बनाए और पूरे साल इत्मीनान से खाएं। चलिए फिर अलग से खास स्वाद के अचार की बनाने की हम करते हैं तैयारी। 1 किलो है आंवला, इसे अच्छे से धो करके पोंछ लिया हुआ है। और आगे के प्रोसेस के लिए चलते हैं हम अपने पैन कढ़ाई की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे 2 बड़े चम्मच सौंफ के, सौंफ जो हम अचार में सब्जी में यूज करते हैं वही वाले सौंफ है। 2 बड़े चम्मच भर के लिया हुआ है सौंफ। इसको बस 10 से 20 सेकेंड हम भुनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 चम्मच मेथी दाना, इसे भी बस आप 10 सेकेंड के लिए डालें। पैन हमारी गर्म है, बस कुछ सेकेंड हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर फिर से मिला देंगे 1/4 चम्मच साबुत जीरा, इसे भी डाल के बस 1 मिनट के लिए हमें इसे भुनना है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भुनना है, कलर हमें चेंज नहीं होने देना है। इसका मॉइस्चर सब हट जाएगा, नमी हट जाएगी, अच्छे से खुशबू आ जाएगी, अचार हमारा बहुत ही जायकेदार बनेगा। साथ में एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर मिलानी है वो है आपका साथ, सहयोग और प्यार। बिना इसके ये सफ़र आगे बढ़ ही नहीं सकता। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया बिना देर किए सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब अचार के प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं। बस 1 मिनट हुआ है, अच्छी सी खुशबू आने लगी, गैस को बंद कर देंगे। और अब यहाँ पर हम डालेंगे यहाँ पर पीली सरसों। आंवले के अचार में आप पीली सरसों का ही इस्तेमाल करें, इससे इसका स्वाद रंग रूप दोनों में 4 चांद लग जाता है। इसके डालने के बाद अब हम यहाँ पर डालेंगे काली मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं, 8 से 10। जब ये अच्छी तरह से हो जाएगी ठंडी, उसके बाद हमें इसका एक मोटा दरदरा पाउडर बनाना है। बिल्कुल महीन नहीं करेंगे, मोटी दरदरी ही रखेंगे। आंवले को मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक सूखे कपड़े से और अच्छे से मैंने पोंछ लिया, पानी बिल्कुल भी ना रहे। आंवले ना तो आप ले बहुत ही छोटी साइज़ की ना बहुत बड़े, मीडियम साइज़ का आंवला लें, जिससे ये अचार बहुत ही परफेक्ट और अच्छा बनके तैयार होगा। कढ़ाई में अब हम डालेंगे 100 ml के आसपास तेल। तेल की क्वांटिटी और मसालों की क्वांटिटी आप चाहें तो थोड़ी बहुत बढ़ा भी सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, फ्लेम को करके धीमी, और एक एक करके अपने इन आंवले को हम इसमें डालेंगे। जो कढ़ाई लेंगे इसका ध्यान रखेंगे वो लोहे के बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो आपकी पूरी अचार जो है ये एकदम काली सी हो जाएगी। इसलिए स्टील की हो तो सबसे बेस्ट रहेगा, मोटे तले की हो स्टील की कढ़ाई। एक एक करके इन आंवले को डालें। आंवले को डालने के बाद फ्लेम को अब आप लो टू मीडियम करके, ये आप अपने हैंड में रखें टेम्परेचर को, जब ज़रूरत लगे आप इसे मीडियम कर दें। और जब आपको लगे कि आपके आंवले थोड़े से ज़्यादा, तेल आपका गर्म हो गया है, थोड़े जलने से लग रहे हैं, तो आप फ्लेम को लो कर दें। आंवले को बिल्कुल जलाना नहीं है, बहुत ही अच्छे से 8 से 10 मिनट आपको इसे भुनना है, जिससे इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये सुनहरी सी हो जाएगी। 8 से 10 मिनट सिर्फ आप आंवले को भुने, लगातार चलाते रहें हल्के हाथों से, क्योंकि 8 से 10 मिनट में आंवले ये 90% पक गए रहेंगे। आप इसे चेक करेंगे निकाल के चाकू से या चम्मच से, आंवले बहुत ही आसानी से टूट जाएंगे। सिर्फ 8 से 10 मिनट आपको भुनना है और इसे लगातार चलाते रहना है, जिससे आंवला हर तरफ से सीके, इसका आपको ध्यान देना है। 8 से 10 मिनट आप टाइमिंग को देख के करें, इतने में ये आंवला हो जाता है। बाकी कुछ डिपेंड करेगा आपके आंवले की क्वांटिटी और आपका गैस का टेम्परेचर, उसकी फ्लेम कितनी कम या ज़्यादा है। 8 से 10 मिनट बस आप भुनने के बाद अब हम चलते हैं अपने मसालों की तरफ। यहाँ पर मसाले को मैंने पीस लिया हुआ है, मोटी दरदरी ही रखी है, बिल्कुल बारीक आप इसे नहीं करेंगे। यहाँ पर अब हम कुछ इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे। डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को ले लें हाथों में, इसे अच्छा सा क्रश कर लें, जिससे इसकी खुशबू और भी अच्छी बढ़ जाएगी। अजवाइन के बाद 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ देगी मिर्च। अगर आपको थोड़ा सा ये और चटपटा और तीखा चाहिए तो देगी मिर्च की मात्रा आप थोड़ी सी और बढ़ा दें। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे। मसाले हमारे यहाँ पर तैयार हो गए और आंवला भी जो है वो पक गया हुआ है। गैस को मैंने यहाँ पर बिल्कुल धीमा कर दिया हुआ है। आंवले को मैंने चेक किया, ये बहुत ही आसानी से टूट जा रही है। अब यहाँ पर आंवले को हम कर देंगे साइड में। आप अगर चाहें तो यहाँ पे गैस को बंद भी कर सकते हैं या फ्लेम को बिल्कुल धीमी कर दें। आंवले को बिल्कुल किनारे में हम लगा देंगे, जिससे बीच में तेल हमें मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर हम डालेंगे हींग। अगर आपको हींग का स्वाद बिल्कुल ही नापसंद है तब तो आप हींग को स्किप कर जाएं, और अगर पसंद है तो 1 छोटी चम्मच या 1/4 छोटी चम्मच हींग को डालें। साथ ही डालें अपने इस मसाले को। गैस जो है वो धीमी चल रही है, फ्लेम हमारी धीमी है,
एक मिनट से भी कम समय आपको इसे चलाने है, मिक्स करना है। गैस पे जो ही एक मिनट हुआ आप गैस को बंद कर दें, क्योंकि मसाले हमारे अच्छे से भुने हुए हैं, मसाले को हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है, नहीं तो सारा अचार का जो स्वाद है वो हमारा बिखर जाएगा, गायब हो जाएगा। गैस को मैंने बंद कर दिया हुआ है और सबसे ज़रूरी जो अभी तक हमने नहीं डाला हुआ है वो है नमक। नमक डालें अपने स्वाद के अनुसार और साथ में प्लेन नमक के साथ काला नमक जरूर ही डालें, ब्लैक सॉल्ट। इससे अचार का स्वाद और भी अच्छा आता है, बढ़ जाता है। आप ये करके देखें, कोई भी अचार आप बनाते हो नमक के साथ काला नमक जरूर ही ऐड करें। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी उसके बाद आप इसे किसी भी सूखे बर्तन में रखें 4 से 5 दिन तक। पूरे दिन में 1 से 2 बार आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें जिससे मसाले और तेल ऊपर नीचे हो जाए, और 2 से 3 दिन के बाद इसमें आप 1 से 2 चम्मच प्लेन वाइट सिरका जरूर ही डालें, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ पूरे साल चलेगी। ये अचार आपकी कहीं से भी ख़राब नहीं होगी। और जो आंवले का खट्टापन होता है सिरका से, आप उसे डाल के देखें, वो भी बिल्कुल ही बैलेंस हो जाएगा। मेरे अभी जब अचार बिल्कुल ठंडा हो गया, मैं इस कांच के बॉटल में करके रख रही हूँ और 4 से 5 दिन तक इसे मैं पूरे दिन में 1 से 2 बार मिक्स करूँगी, ऊपर नीचे करूँगी, और 2 दिन के बाद इसमें सिरके को डाल दूँगी। ज़रूर ही बनाकर ट्राई करें, खाएं, खिलाएं। फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।